हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 सुपरस्टार्स की जो आ सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। दोस्तों, जनवरी 22 को रॉ का 25th एनिवर्सरी का एपिसोड होगा। बहुत सारे सरप्राइजेस हमें देखने मिलेंगे इस बड़े एपिसोड में। तो बात करते हैं 10 सुपरस्टार्स की जो आ सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। नंबर 10, डॉल्फ ज़िगलर। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि कैसे डॉल्फ ज़िगलर ने अपना US टाइटल रख के चले गए, ये बेशक एक स्टोरी लाइन है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो WWE से चले गए हैं फॉरएवर। वो वापस आएंगे ज़रूर और वो आ सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड पर। स्मैकडाउन सुपरस्टार है पर फिर भी वो शो अप करके हमें सरप्राइज कर सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी पर। नंबर 9, जिम रॉस एंड जेरी द किंग लॉलर। लेजेंडरी कमेंट्री टीम और हॉल ऑफ फेमर जेरी द किंग लॉलर एंड जिम रॉस के बहुत सारे रूमर्स है कि वो आएंगे रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में और वो दोनों उस एपिसोड में आकर अपने गोल्डन वॉइस से उस एपिसोड में कमेंट्री करेंगे। नंबर 8, विंस मैकमैन। विंस मैकमैन बहुत कम आते हैं WWE TV पर और लास्ट टाइम हमने विंस को देखा था स्मैकडाउन में, जहां उन पर केविन ओवंस ने अटैक किया था। रूमर्स है कि विंस मैकमैन जरूर आएंगे रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में और हमें उनका एक ऑसम सेगमेंट देखने मिलेगा। नंबर 7, गोल्डबर्ग, द मिथ, द मैन, बिल गोल्डबर्ग अपना बड़ा रिटर्न कर सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। इस पर हमने वीडियो भी बनाई है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। WWE ने भी उनको कॉन्टेक्ट किया रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में आने के लिए, तो हमें ज़रूर देखने मिलेगा बिल गोल्डबर्ग को इस बड़े ओकेजन पर। और अगर वो आते हैं उस एपिसोड में तो वो अनाउंस करेंगे कि वो होंगे रॉयल रंबल के एंट्रेंट। नंबर 6, CM Punk। दोस्तों, बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk भले ही अपने UFC फाइट के लिए रुके हैं पर जैसे WrestleMania नज़दीक आ रहा है वैसे उनके चांसेस बढ़ रहे हैं WWE में आने के लिए। और अगर वो वन ऑफ अपीयरेंस भी करते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में तो हमें उनका एक बड़ा एंगल देखने मिल सकता है। नंबर 5, डीन एम्ब्रोस। 2 months, 3 months, 6 months, 9 months, बहुत सारे रूमर्स थे डीन एम्ब्रोस के रिटर्न पर। WWE और डीन एम्ब्रोस हमें सरप्राइज करेंगे ज़रूर। रिसेंटली UFC में माइक टाइसन के पिक के बैकग्राउंड में डीन एम्ब्रोस दिखे गए थे, तो वो नॉर्मल अपीयरेंस जरूर कर सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। नंबर 4, शॉन माइकल, द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल भी अपना बड़ा रिटर्न करने वाले हैं रॉ 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट हमें देखने मिलेगा उनका और ज़रूर कोई ना कोई सुपर किक खाने वाला है। नंबर 3, स्टिंग। दोस्तों, द स्टिंगर आ सकते हैं इस बड़े एपिसोड में। रिसेंटली वो WWE 2K18 के कमर्शियल में थे और एकदम हेल्दी लग रहे थे। अगर वो आते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में तो हमें ज़रूर उनका फ्यूचर पता चलेगा WWE के साथ। नंबर 2, द अंडरटेकर, द फीनॉम, द अंडरटेकर कन्फर्म्ड है रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। सभी WWE फैंस कन्फ्यूज्ड है कि क्या होगा अंडरटेकर का सेगमेंट, पर र्यूमर्स है वो या तो सीना या फिर स्टिंग को कन्फ्रंट करेंगे और सेट करेंगे उनकी फाइनल मैच एट WrestleMania 34। एंड द नंबर 1, द रॉक, द ग्रेट वन, द पीपल्स चैंपियन, द रॉक अपना बिजी मूवी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर पॉसिबली आ सकते हैं रॉ 25th के एनिवर्सरी के एपिसोड में। और र्यूमर्स है कि उनका फिजिकल अल्टरकेशन हमें देखने मिल सकता है उस एपिसोड में। तो दोस्तों, ये रहे वो 10 ह्यूज सुपरस्टार्स जो आ सकते हैं रॉ के 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में। दोस्तों, ये कन्फर्म नेम्स नहीं है, र्यूमर्स है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से सुपरस्टार के लिए एक्साइटेड है रॉ 25th एनिवर्सरी के एपिसोड के लिए। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।